एवरेज पावर एसोसिएटेड, एवरेज पावर किसके साथ है बेटा? एसोसिएटेड किसके साथ? विद सी कैपेसिटर, विद कैपेसिटर, कैपेसिटर सी के साथ बेटा। तो वही काम करना बेटा, हमने वही लेना है। एक कैपेसिटर लिया जिसकी कैपेसिटेंस सी ले ली बेटा, इसको किसके साथ? सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर दिया बेटा। हमने पता सोर्स ऑफ ईएमएफ ई बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा, इक्वेशन नंबर। हम जानते हैं भाई करंट कितना होता है, वी नो दैट द करंट थ्रू द कैपेसिटर, करंट आगे चला जाता बेटा। वी नो दैट करंट थ्रो किस में बेटा? करंट थ्रो कैपेसिटर, करंट थ्रू कैपेसिटर, करंट थ्रू द कैपेसिटर क्या कितना आगे जाता है? 90 आगे जाता, आगे जाएगा मतलब प्लस आएगा और कोस बन जाएगा बेटा। तो आई जो है दैट इज आई नॉट एंड दैट इज कोस ऑफ ओमेगा, इक्वेशन पावर की डेफिनेशन के थी बाय डेफिनेशन किसकी ऑफ पावर क्या था? ईवी इनटू आईवी, तो पावर था बेटा आपका ई इनटू आईवी, करंट वोल्टेज गुना करंट, तो वो करंट गुना वोल्टेज क्योंकि ये अप्लाइड वोल्टेज कौन सी हो गया ईवी, ये कौन सा हो गया आईवी, तो दोनों की गुना कर दो बेटा। तो पावर कितना है आपका? पावर आ गया बेटा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा, ठीक है बेटा बन गया। लेकिन मैं क्या करूं, दो से गुणा कर दू, दो से डिवाइड कर दू, ये किसका फार्मूला बन गया? साइन टू थीटा का। तो पावर का फार्मूला क्या है बेटा? ई नॉट आई नॉट बाय टू, ये बन गया आपका साइन टू ओमेगा टी, आ गया बेटा। ये क्या है पावर? ये इक्वेशन नंबर थ्री। लेकिन पावर की डेफिनेशन क्या है? बट पावर बराबर क्या होता बेटा? पावर बराबर डी डब्ल्यू बाय डी टी, तो किसके बराबर? इसके बराबर रख देना, क्या आएगा? ई नॉट आई नॉट बाय टू एंड साइन टू ओमेगा टी, इतना डी टी नपरा ले जाओ, तो डी डब्ल्यू कितना आया? डी डब्ल्यू आया बेटा आपका ई नॉट आई नॉट बाय टू एंड साइन टू ओमेगा टी इंटू डी टी। ये क्या है इक्वेशन नंबर फोर। क्या करोगे इसको? इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि हमने तो एवरेज पावर काटनी है, एवरेज पावर के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट इक्वेशन फोर, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो बेटा। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे जीरो से टी, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बेटा डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को कितना है बेटा डब्ल्यू, और ये बढ़ गया आपका जीरो से टी, यहाँ कैमरा बेटा ई नॉट I नॉट बाई टू, और ये बेटा साइन टू ओमेगा टी इंटू डी टी, पिछला टॉपिक क्या, ये क्या है आपका जीरो, तो वर्क डन जीरो आ गया बेटा, तो पावर भी क्या है जीरो, सो पावर इज इक्वल टू जीरो। तो क्या पावर कंज्यूम करता है कैपेसिटर? नो, इसका मतलब है सो नो पावर, नो पावर कंज्यूम बाय नो पावर कंज्यूम बाय नो पावर कंज्यूम बाय कोई कैपेसिटर के द्वारा कोई पावर कंज्यूम नहीं की जाती, ठीक है। लेकिन उसमें करंट घर भी जान लग गया, तो वो करंट कौन सा? पावर नहीं है जिस करंट की, तो वाटलेस, कौन सा बेटा? वो वाटलेस करंट है, क्या वो वाटलेस करंट होता है जो जाएगा, तो यह आगे बेटा पावर कंज्यूम नहीं होती इसमें, ठीक है, इसमें जीरो आएगी। अब इसका न्यूमेरिकल है बेटा, इसका भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखिए क्या कहा है ए 60 माइक्रो फैरड, ये एनसीआर की न्यूमेरिकल है बेटा, एनसीआर की न्यूमेरिकल, इन्हें क्या 60 माइक्रो फैरड है बेटा, कितना कैपेसिटर है 60 माइक्रो फैरड कैपेसिटर, कनेक्ट कर दिया बेटा यो किसके साथ? 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज, ठीक है बेटा। यह फ्रीक्वेंसी कहाँ होकर है? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अपने यहाँ तो 50 हर्ट्ज है, तो यह कौन सी वोल्टेज दे रखी है? गिवन क्या क्या बता? गिवन है बेटा सी, कैपेसिटेंस कितना है 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो गया, और क्या बेटा ईवी, ईवी इज इक्वल टू 110 वोल्ट आ गया, और फ्रीक्वेंसी
इन्हें क्या पूछा क्वेश्चन है, इन्हें क्या डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू बांटनी है, आई क्या बढ़ना है, अरे भाई वोल्टेज बराबर क्यों करा है, करंट गुणा रेजिस्टेंस, ओम का नियम, लेकिन वोल्टेज कौन सी, ईवी, करंट कौन सा, आईवी, रेजिस्टेंस किसका, सी का, एक्ससी, रेजिस्टेंस तो एक्ससी को होगा, एक्ससी, तो बेटा यहां पहले हमने क्या करना पड़ गया, एक्ससी क्या निकालना पड़ गया बेटा, एक्ससी, तो एक्ससी का एक्ससी क्यों करा, वन बाय ओमेगा सी, एक्स एल तो सीधा ओमेगा एल हो रहा है, और एक्ससी क्यों करा, वन बाय ओमेगा सी, तो बेटा 1 by omega 2 pi mu into c x c is equal to 1 by 2 pi की वैल्यू 3.14 into nu की वैल्यू 60 hertz into c की वैल्यू 60 into 10^-6, तो बेटा जब आप x c की वैल्यू निकालोगे तो x c should be XC क्या 44.2, तो क्या यूर है, रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस यूनिट क्या बनेगी, ओम, आ गया बेटा XC भी आ गया, एक के कारण आपने आई भी राम तो निकल चुका, व्हाट इज आई भी, ईवी बाय एक्स, यस